The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों समर आ गए हैं, धूप है, धूप अब बढ़ती जा रही है और हर इंसान टैनिंग से बचना चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो पूल साइड्स में, बीचेस में जाके एंजॉय करना चाहते हैं और एक्चुअली गोल्डन टैन के पीछे भागते हैं और चाहते हैं कि वो टैन हो जाए, थोड़ी टैनिंग कर लें। कई लोग उसके लिए टैनिंग बूथ्स में भी जाते हैं, टैनिंग बेड्स पे भी जाते हैं। तो टैनिंग होती कैसे है इसको समझना जरूरी है, टैनिंग से क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या नुकसान है शरीर को, ये बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि टैनिंग कैन इवन बी वेरी वेरी डेंजरस। होता क्या है, जब भी आप सन के सामने यानी धूप में जाते हैं तो धूप में अल्ट्रावायलेट किरणें आपको आपके शरीर पे गिरती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें ये दो प्रकार की होती है, यूवीए और यूवीबी। यूवीबी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, बी फॉर बर्न्स, ये आपको जला सकती हैं, ये आपके स्किन के ऊपरी जो लेयर है एपिडर्मिस को बर्न कर सकती, लिटरली बर्न कर सकती हैं, और यही वो रेज हैं यूवीबी जो सन बर्न कॉज करती हैं। यूवीए से ए जो है वो और अंदर जाती है, ऊपर के अंदर लेयर तक जाती है और वो एपिडर्मिस के लोअर लेयर में जहां पर मेलेनोसाइट नामक एक सेल्स होते हैं, ये ब्राउन कलर का, कत्थई कलर का पिगमेंट बनाते हैं मेलानिन, जो हमने मेलेस्मा वाले वीडियो में देखा था, विटिलिगो वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ये वो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स को यूवीए रेज जो है ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इरिटेट करते हैं, जिससे कि वो वहां पर और ज्यादा मेलेनिन बनाते हैं, मेलेनोसाइट्स, सो आप टैन हो जाते हैं। प्रॉब्लम इतनी नहीं है, पर ये शरीर ऐसा क्यों करता है? शरीर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतने ही आपकी स्किन बर्न नहीं होगी यूवीबी रेज से, यूवीबी रेज से बर्न नहीं होगी, यूवी रेज पेनिट्रेट नहीं होगी। सो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क स्किन ज्यादा बेहतर है और डार्क के तरफ जाइए और टैन हो जाइए, बिकॉज टैनिंग का ये जो प्रोसेस है, चाहे आप किसी भी तरीके की टैनिंग करें, यूवी लाइट से ही टैनिंग हो रही है, तो टैनिंग से डाउनसाइड ये है कि टैनिंग के मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यूवी ए रेज ना सिर्फ अंदर जाके मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, आपके अंदर अंदर स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स, नसों को, आपकी इम्यून सिस्टम को इरिटेट कर सकते हैं, वहां पर आपकी ऑल एग्जिस्टिंग स्किन बीमारियों के हील होने में प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पे आपको और नई स्किन की बीमारियां, इरिटेशन, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, ऐसी चीजें हो सकती, सन बर्न्स हो सकते हैं आपको, मेलेनोमाज हो सकते हैं, अगर मेलेनोमा है उसकी प्रोग्रेशन बढ़ सकती है। मेलेनोमा एक तरीके का स्किन कैंसर है जिसको जल्द से जल्द डायग्नोस करके ट्रीट कर दिया जाए तो बच जाएंगे, लेकिन मेलेनोमा फैल भी सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे ही और भी खतरनाक स्किन कैंसर होते हैं जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं बार बार यूवीए लाइट्स से एक्सपोज होने से, वो है स्किन कैंसर लाइक बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। पहले जमाने में ये जो कैंसर हैं ये 50-60 साल की उम्र के बाद पाए जाते थे, अब यंग लोगों में भी पाए जा रहे हैं। रीजन, धूप बढ़ गई है, एक्सपोजर बढ़ गया है, ओजोन लेयर खराब हो गया है, बहुत ज्यादा यूवी लाइट अंदर आ रही हैं और यंग एज में भी एक्सपोजर की वजह से ये हो रहा है। प्लस स्किन केयर सही नहीं है, लोगों को आता जाता कुछ नहीं, उल्टा सीधा लगाते हैं और सारे केमिकल्स ऐसी तैसी कर देते हैं, राइट? सो और एडवर्टाइजमेंट की सुनते हैं, सबसे बड़ी बात। सो ये प्रॉब्लम अकेला इतना नहीं है, यूवी रेज से और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ना सिर्फ कैंसर, ना सिर्फ सनबर्न, ना सिर्फ ये इरिटेशन, बल्कि जो आप बूढ़े होते हैं ईच एंड एवरी स्टेप पे जो आपकी स्किन एजिंग है वो भी यूवी ए रेज से एक्सपोजर के वजह से होती है, और जितनी ज्यादा एक्सपोजर उतने ज्यादा आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, ये सच्चाई है, ठीक है? और एज के अलावा भी आपकी आईज को डैमेज कर सकते हैं, आईज के अंदर कैटरैक्ट तक हो सकता है। सो बहुत सारे डैमेज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सन के और इवन अल्ट्रावायलेट रेज के, अल्ट्रावायलेट रेज वाले बेड के, हर चीज के, इस चीज के।
हर चीज में अल्ट्रावायलेट रेज हो रही है तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, सन स्मार्ट होना जरूरी है। जब भी आप बाहर जाते हैं आपको लंबे कपड़े पहनने चाहिए, जितने हो सके अपना शरीर ढक लेना चाहिए, एक बड़ी सी ब्रॉड कैप पहननी चाहिए, लेकिन कैप काफी नहीं है क्योंकि कई सरफेसेस हैं जो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि स्नो है आपका, पेवमेंट है, जैसे कि सैंड है, सब रिफ्लेक्ट करती है और वो आपको वहां से पड़ सकती है, इसीलिए आपको एक्सपोज्ड एरियाज पे सनस्क्रीन लगानी ही चाहिए। सनस्क्रीन कौन सी होनी चाहिए? सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब कि वो यूवीए यूवीई बी दोनों से प्रोटेक्ट करनी चाहिए, और एसपीएफ उसका होना चाहिए हाई। हाई एसपीएफ एटलीस्ट 30 तो हो, 30 का एसपीएफ जरूर होना चाहिए, और वो आप हर दिन लगाएंगे चाहे आप बाहर थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना जा रहे हो। और आपको ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन आप एक बार लगाए और ये सोचे कि मैं शाम तक कोई प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर 2 घंटे में सनस्क्रीन फिर से लगाना पड़ेगा जब तक आप बाहर हैं, और साथ ही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जब धूप सबसे तेज होती है, कोशिश करें छाँव में रहें, इंडोर रहें या धूप से बचें, राइट। सनस्क्रीन को बार बार लगाना पड़ेगा। अगर सनस्क्रीन धुल गई, अगर आपने स्विमिंग कर ली, अगर आप में स्वेटिंग हो गई, चाहे वो वॉशप्रूफ वाटरप्रूफ हो, कितना भी लिखा हो ऐसा नहीं होता कि 100% वाटरप्रूफ हो। इसके अलावा मैंने कहा प्रोटेक्शन के लिए छाता ले जाइए, चाहे बड़ी हैट पहनिए, चाहे पूरे कपड़े पहनिए, चाहे दस्ताने पहनिए, प्रोटेक्ट योर स्किन बाय हुक और बाय क्रुक, बहुत जरूरी है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, अगर आप कोई एक्ने की मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये इस तरीके की मेडिसिन आपकी स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ा सकती हैं। उससे क्या होगा, आपका सन एक्सपोजर कम भी होगा तो डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपके काम में, अगर आपके लाइफ में आपको बाहर जाना, धूप में रहना जरूरी है, कंपलसरी है, तो फिर इस चीज़ में आपको मेडिसिन चेंज करने की या बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह स्किन टैनिंग एक्सेलरेटर, टैनिंग पिल्स भी यही काम करती है, बॉडी का मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ा देती है, बॉडी का स्कन से एक्सपोजर सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, तो वो नहीं लेना चाहिए, उनसे आपको प्रॉब्लम होगी। ना सिर्फ वो प्रॉब्लम कर सकती हैं बल्कि ये अप्रूव्ड भी नहीं है, किसी प्रकार से सेफ्टी उसकी अप्रूव्ड नहीं है, सेफ्टी अशोर्ड नहीं है। ये बात हुई टैनिंग की, कैसे होती है टैनिंग, कैसे क्यों बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। अब टैनिंग हो गई तो कैसे निकालना, ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।